प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या नहीं ओरछा जाएंगे पूर्व सीएम शिवराज। बोले ओरछा स्थित राम राजा के मंदिर से ही अयोध्या का कार्यक्रम देखूंगा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कल यानी 22 जनवरी को अयोध्या में आयोजित रामलला के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल नहीं होंगे। इस दिन वे ओरछा स्थित राम राजा के मंदिर से ही अयोध्या का कार्यक्रम देखेंगे। वे आज रविवार रात ही ओरछा पहुंच जाएंगे। नागपुर की ओर से भोपाल जाते समय पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शनिवार देर रात बैतूल ठहरे। उन्होंने कहा कि आज चारों तरफ हर मन उल्लास से भरा हुआ है, चारों तरफ आनंद उत्सव का माहौल है। रामलला मंदिर में विराजित होने वाले हैं। 500 साल के संघर्ष के बाद यह सौभाग्यशाली दिन आया है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि हम उस दिन प्राण प्रतिष्ठा के साक्षी बनेंगे। सचमुच मानव जीवन धन्य हो गया है। कई कर सेवकों ने प्राणों का बलिदान दिया था। इसके पहले भी 500 साल संघर्ष हुआ है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संतों और वरिष्ठों के नेतृत्व में यहाँ प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। वे रविवार रात को ही ओरछा पहुंचेंगे, जहां राम राजा के मंदिर से इस कार्यक्रम में भाग लेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने लोगों से अपील की है कि इस दिन को दीपोत्सव के रूप में मनाएं। उन्होंने कहा कि भगवान राम के साथ राम राज्य भी आ रहा है। 22 तारीख को अयोध्या न जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि वहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद अपील की है कि उस दिन ज्यादा लोग न आए, इसलिए वे अयोध्या के दृश्य को ओरछा से ही देखेंगे। शिवराज ने कहा कि मान्यता है कि दिन में भगवान राम ओरछा में विराजते हैं, रात को अयोध्या जाते हैं, दिन में हम वहीं उनकी पूजा करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में छिंदवाड़ा सहित 29 लोकसभा सीट भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। उन्होंने लाडली लक्ष्मी योजना को लेकर कहा कि यह योजना जारी रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाई सुहागी बाईपास।